प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं भारत से संबंधित संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। इसके अंतर्गत हमारा जो पार चल रहा था वो चल रहा था हिमालय। उत्तरी पर्वतीय मा या कह सकते हैं हम उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वत माला, कुछ भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे पहला कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय कह सकते हो आप, और उत्तरी पश्चिमी हिमालय भी कह सकते हो। इसके अंतर्गत हमने बहुत सारी विशेषताओं की बात की थी। लास्ट हमने बात की थी इसके अंतर्गत करेवा से संबंधित। करेवा क्या था? करेवा था हिमानी निक्षेप से निर्मित पदार्थ या एक चिकनी मिट्टी की मोटी परत, ये कह सकते हैं। और ये जो क्षेत्र आपको नजर आ रहा है करेवा, ये किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध था? ये जाफरान की खेती के लिए। और कहाँ, किस क्षेत्र में? जम्मू कश्मीर। ये हमने लास्ट बात की थी इसके अंतर्गत। उससे पहले हमने कुछ घाटियों की बात की, कुछ हिमनदों की बात की थी। अब इससे आगे क्या दे रखा है इसके अंतर्गत? कुछ पर्वत श्रेणियां दे रखी हैं। जैसे पर्वत श्रेणी की हमने बात की थी, एक तो ये पर्वत श्रेणी थी काराकोरम पर्वत श्रेणी थी, जास्कर पर्वत श्रेणी थी, लद्दाख। इन पर्वत श्रेणियों में एक प्रमुख विशेषता पाई जाती है, वो प्रमुख विशेषता कौन सी है? देखिए, इन पर्वत श्रेणियों में जास्कर की बात करेंगे, लद्दाख की बात करेंगे, और इससे आगे एक श्रेणी और है पीर पंजाब। ठीक है, जम्मू की ही बात की जाती है। अगर हम दूसरे विभाजन की ओर देखें तो ये जो ऊपर वाले तीन श्रेणियां हैं ये किस हिमालय की हैं? उवर्त हिमालय की। और ये किस हिमालय की हैं? लघु हिमालय। लेकिन हमें अध्ययन उवर्त और लघु का नहीं करना है, बल्कि अध्ययन इस प्रकार से करना है। इससे ये वाला जो पार्ट है ये हमें देखना है, इसलिए हम उवर्त की भी बात करेंगे, इसलिए हम लघु की भी बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत एक प्रमुख विशेषता है दर्रा या दर्रे, एक से अधिक दर्रे, या हम कह सकते हैं दर्रा। दर्रा क्या होता है? देखिए, इनको बोला जाता है पासेज, पास। ये वो पास नहीं है, पास और फेल, एक रास्ता बताया गया इसके। देखिए, या तो दो पर्वत श्रेणियों के मध्य, या तो दो पर्वत श्रेणियों के मध्य, या आपने काफी बार ऐसा देखा होगा, ये एक रास्ता देखा होगा जो जिसके ऊपर तो क्या होती है, पर्वत श्रेणी होती है, और जिसके निचले भाग में क्या होती है, घाटी होती है। यहां से परिवहनीय व्यवस्था दिखाई देती है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका दर्रा। मतलब पर्वतीय और घाटी क्षेत्र के मध्य एक तंग रास्ता होता है जो परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, क्या कहलाता है?
दर्रा कहलाता है। ऐसे कई सारे दर्रे पाए जाते हैं। जैसे हम बात करेंगे जास्कर पर्वत श्रेणी में जो जिला और फोटुला, ये दर्रों के नाम हैं। जोजिला और फोटुला आपकी बुक में थोड़ा सा अलग सा दिया हुआ है, लेकिन स्पेसिफिकेशन के दौरान हम ये देखते हैं कि जास्कर पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जोजिला और फोटुला दोनों दर्रे पाए जाते हैं। अब ये दर्रे आपके समझ में नहीं आ रहे। अब देखिए जो जोजिला दर्रा है वो दर्रा क्या है, आप श्रीनगर से लेह लद्दाख इस स्थान पर जाओगे, श्रीनगर से लेह जाओगे तो किस रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा, जोजिला दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इन दोनों शहरों को जोड़ने वाला जो एक तंग रास्ता है वो कौन सा है, जोजिला। इसी प्रकार से फोटुला का भी कार्य होता है। लद्दाख, लद्दाख पर्वत श्रेणी के अंतर्गत एक दर्रा है खारदुलांग। कौन सा दर्रा है, खारदुलांग दर्रा। पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत एक दर्रा दिया गया है बनिहाल। कौन सा दर्रा है, बनिहाल दर्रा। और किस श्रेणी के अंतर्गत है बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट दर्रा है। कैसे इम्पोर्टेंट दर्रा है, देखिए ये जम्मू को किससे जोड़ता है, कश्मीर से जोड़ता है जम्मू को, या हम कह सकते हैं श्रीनगर, यहाँ श्रीनगर लिख सकते हैं, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और आपने एक सुरंग का नाम सुना होगा, जवाहर सुरंग। इस जवाहर सुरंग से जाते हैं तो कौन सा दर्रा आता है, बनिहाल दर्रा आता है। या हम कह सकते हैं जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो कौन सा रास्ता आएगा, बनिहाल दर्रा आएगा। तो ये इस प्रकार से कुछ दर्रे इसमें दिए हुए हैं। अब इसके बाद में कुछ झीलों के नाम दिए हुए हैं, जैसे डल और वुलर झील। किस हिमालय में है, कश्मीर हिमालय में। और इसके आगे ये दिया गया है अलवण जल। अब कई बार क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। अलवण जल, अलवण जल का मतलब होता है बिल्कुल स्वच्छ जल, उसमें लवण है ही नहीं, बिल्कुल लवणहीन जल पाया जाता है। किस झील में, डल झील और वुलर झील में। कुछ लवण झीलें हैं जैसे पगांग सो और सोमू रीडी, ये कौन सी झीलें हैं, लवण जल पाया जाता है, खारी झीलें हैं। और इनको हम क्या कहेंगे, ये मीठी झीलें हैं। तो ये झीलें किस हिमालय में पाई जाती हैं, किस हिमालय में पाई जाती हैं, ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती हैं। अब मैंने कहा कि इनका जो विभाजन किया गया है वो विभाजन किस आधार पर किया गया है। देखिए ये नदी मैंने यहाँ से गुजारी थी, कौन सी नदी, सिंधु। अब सिंधु की कुछ सहायक नदियाँ हैं जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, कौन कौन सी नदियाँ हैं। देखिए झेलम है, चेनाब है, रावी, व्यास, सतलज, ये पांच मुख्य सहायक नदियां हैं। अब इन सहायक नदियों में ये जो दो सहायक नदियां हैं ये कहाँ प्रतीत होती हैं, कश्मीर हिमालय।
कौन कौन सी नदियां हैं? सिंधु की सहायक नदियां झेलम और चेनाब, ये जो दो नदियां हैं, ये दो नदियां कश्मीर हिमालय के क्षेत्र में अपवाहित होती है, प्रवाहित होती हैं। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि हमने श्रीनगर की बात की थी। श्रीनगर जो राजधानी क्षेत्र है था पहले, अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित हैं, ये कई बार पूछा जाता है। किस नदी के किनारे स्थित हैं? झेलम नदी के किनारे स्थित हैं। अब कुछ कश्मीर हिमालय की बात करेंगे तो कुछ रोचक और महत्वपूर्ण कुछ स्थान दिखाई देते हैं जो पर्यटन स्थल के रूप में जाने जाते हैं। ये पर्यटन के लिए एक आकर्षण केंद्र प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कौन कौन से स्थल हैं, आप काफ़ी बार शायद गए हुए भी होंगे या जानते होंगे, जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, सरार ए शरीफ, ये मजार है। तो ये जो पर्यटन स्थल हैं, ये पर्यटन स्थल कहाँ नजर आ रहे हैं? ये आ रहे हैं कश्मीर हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, अब हमने कश्मीर हिमालय के अंतर्गत जितनी भी विशेषताएं थी उन विशेषताओं के बारे में देख लिया। दूसरा जो टॉपिक था हमारा, या हम कह सकते हैं दूसरा जो हिमालय था, उस हिमालय में हम देखेंगे कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं। और दूसरा जो हिमालय था उसका नाम क्या था? हिमाचल हिमालय, या हम कह सकते हैं उत्तरांचल उत्तराखंड हिमालय। दूसरा है हिमाचल या उत्तरांचल हिमालय। अब देखिए इस हिमालय की बात करते हैं। कश्मीर हिमालय की बात की, ऊपर से सिंधु नदी गुजरती है और सिंधु नदी से लेकर रावी तक मान सकते हैं और सतलज तक मान सकते हैं। यहां हमें रावी तक क्षेत्र दिया हुआ है। तो ये कौन सी नदी हैं? रावी नदी है। किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी। ठीक, ये जो नदी है ये काली नदी है। कौन सी नदी है? काली नदी। किसकी सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी। और घाघरा किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, इस प्रकार से दो नदियों के मध्य का क्षेत्र हमें दिया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो अपवाह तंत्र हैं, वो अपवाह तंत्र कितनी नदियों का है। दो मुख्य नदियां हमें नजर आई, एक तो आई सिंधु और दूसरी आई गंगा। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी सहायक नदियां इस क्षेत्र में इफेक्ट करती हैं, और गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी इस क्षेत्र में इफेक्ट कर रही हैं। देखिए झेलम और चेनाब, ये दो नदियां हमने बात कर ली किसमें? कश्मीर हिमालय। शेष जो रह गई थी रावी, व्यास और सतलज, ये किस क्षेत्र में अपवाहित होती हैं? किस क्षेत्र में?
हिमाचल हिमालय में या उत्तरांचल हिमालय में अपवाहित होती है। गंगा की बात करेंगे तो गंगा की कौन सी नदियाँ, एक तो यमुना यमुनोत्री से निकलती हैं और दूसरी ये मैंने लिखी है ऊपर घाघरा। ये दो नदियाँ हिमाचल हिमालय में अपवाहित होती हैं। अब हम देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत जो घाटी क्षेत्र हैं, जैसे हमने कश्मीर घाटी की बात की थी उसी प्रकार इस क्षेत्र में घाटी देखेंगे, तो एक घाटी का नाम आता है लाहौल स्फीति घाटी। लाहौल स्फीति घाटी, ये आपने नाम काफ़ी बार सुना होगा, कुल्लू कांगड़ा घाटी। ये दोनों घाटियाँ कहाँ पर हैं अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो कौन से क्षेत्र में हैं, हिमाचल के अंतर्गत पाई जाती हैं। अब देखिए घाटियों के अलावा एक घाटी और भी पाई जाती हैं, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। फूलों की जो घाटी हैं वो हिमाचल में नहीं पाई जाती हैं बल्कि कहाँ पाई जाती हैं, उत्तराखंड में पाई जाती। तो ये प्रमुख जो घाटियाँ हैं इनके नाम याद रखिए और किस क्षेत्र में हैं। ये तो हो गया पॉलिटिकल, राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत बात करेंगे। अगर बात करेंगे हिमालय की तो किस हिमालय में हैं, हिमाचल हिमालय में। अब इसके अलावा कुछ पर्वत श्रेणियां भी पाई जाती, जैसे हमने बात की काराकोरम जास्कर लद्दाख, उसी प्रकार से इसके अंतर्गत भी पर्वत श्रेणी पाई जाती है। इस प्रकार से देखिए एक पर्वत श्रेणी का नाम आता है धौलाधर पर्वत श्रेणी, जिस प्रकार से लद्दाख थी जास्कर थी उसी प्रकार से धौलाधर। धौलाधर कहाँ पर हैं, हिमाचल प्रदेश में। फिर हम बात करते हैं एक और आती है नाग टिब्बा, नाग टिब्बा ये कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में। दो प्रमुख पर्वत श्रेणियों की बात की गई हैं, कौन कौन सी, धौलाधर और नाग टिब्बा लिख रखा है, टिब्बा भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसके अंतर्गत एक दो श्रेणी और हैं जो यहाँ स्पेसिफिकेशन नहीं है, उनकी बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ विशेषताएं और भी शेष हैं, उन विशेषताओं को हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।